मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली से एक आत्महत्या का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें रहली और गड़ाकोटा थाने की पुलिस अब उलझती हुई नजर आ रही है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागुदय अस्पताल के पास सागर। दरअसल बीती 17 अप्रैल को रहली के ग्राम देवरी चौधरी निवासी आकाश से पिता जागेश्वर कुर्मी अपने घर से बिना बताए कहीं लापता हो गया था, जिसकी शिकायत आकाश के पिता ने रहली थाने में दर्ज कराई थी। वहीं गड़ाकोटा थाना अंतर्गत उमरा ग्राम में एक नाबालिग अपने रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने आई थी, जिसे आकाश और उसके अन्य दो दोस्तों ने बहला फुसला कर अगवा कर लिया था। ऐसी शिकायत गड़ाकोटा में लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी, जहां पुलिस ने 363 पर मामला दर्ज कर नाबालिग को तलाश करना शुरू कर दिया और पुलिस को लोकेशन मिली कि नाबालिग रहली थाना अंतर्गत ग्राम कड़ता में है, जहां से पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों के हवाले कर दिया था। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि गड़ाकोटा पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ आकाश कुर्मी को भी हिरासत में लिया था, जिसे न्यायालय में पेश करना था, लेकिन पुलिस ने कुछ हेर फेर कर लड़के को छोड़ दिया, जिसके बाद दूसरे दिन आकाश ने अपने मामा के खेत पर जाकर आत्महत्या कर ली। सूत्र बताते हैं कि आकाश को जेल जाने का डर सता रहा था और उसने जेल जाने के डर से यह कदम उठाया है, जिससे उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में रहली थाना पुलिस और गड़ाकोटा थाना पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। अब आकाश ने किन कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त की है, यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर गड़ाकोटा पुलिस ने आकाश को हिरासत में लिया था तो फिर उसे क्यों छोड़ा, जिससे उसने यह कदम उठाया, यह भी अब जांच का विषय बना हुआ है। गो सुसाइड का मामला हमारे पास सुबह आया है, जिसका हमने पीएम कराया है, जिसका नाम आकाश कुर्मी है, 18 वर्ष बताया जा रहा है और वो रहने वाला देवरी चौधरी का है, जिसका हमने करीब 9 बजे करीब हमने उनका पीएम किया है। बाद उनका जो भी आएगा वो अब रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा।